यारों का तशन है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मेरा बेटा यारो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं तो यकीन कर रहा हूँ, लेकिन लैब की रिपोर्ट कुछ और ही बता रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप यारो को बहुत टाइम से जानते हैं, वो सबकी हेल्प करता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर वो सबकी हेल्प करता है तो वो ऐसा काम क्यों करेगा? हाँ सर, और अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो फ्रेंड्स फास्ट फूड बंद हो जाएगा ना, तो आप खुद ही सोचिए कि यारो ऐसा क्यों करेगा। इंस्पेक्टर साहब, यारो एकदम बेकसूर है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए ना, प्लीज। ऐसा है कि मैं यारो को नहीं छोड़ सकता भाई। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप हमें 24 घंटे की मोहलत तो दे सकते हैं ना? आप मेरा यकीन मानिए, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर असली गुनाहगार को लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद अपने आप यारों को लेकर आपके पास आऊंगा, बस प्लीज सर। देखिए, ऐसा है कि मैं अपनी नौकरी का रिस्क ले रहा हूँ और यारों को 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। इन 24 घंटों में आप सबको ये साबित करना होगा कि यारों बेगुनाह है, वरना 25वें घंटे में चार्जशीट तैयार कर दूंगा, फिर यारों को आजाद करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होगा। Thank you, Inspector साहब. Thank you a lot. हवलदार, यारो, don't worry यारो, सब ठीक हो जाएगा। चल, जल्दी घर चल, आजा। Good night, sir. पता नहीं फंस फंस के कहां फंस गया मेरा बच्चा। रो मेरा बच्चा। अगर मां और बेटे में लाड प्यार हो गया हो तो जरा काम की बात कर लें। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं ये साबित करने के लिए कि यारो बेगुनाह है। अब हमें ये देखना है कि एक्चुअली हुआ क्या था। एक मिनट, मैं चिप निकालता हूं। यारो के सिस्टम में ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम 30 किलोमीटर तक के सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। इस आदमी ने कांड किया था, ये तो गया बेटा, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ोगे तो तब ना, जब पकड़ोगे उसको। और पकड़ोगे कैसे? हाँ यार, हम लोग इसे पहचानते थोड़ी ना। सवाल ये है कि आदमी वैन में क्यों आया और ये है कौन? नहीं, ये आदमी चतुर्वेदी जी के लिए तो काम नहीं करता। ना ना, चतुर्वेदी जी खुद क्यों मिलावट वाला सैंडविच खाते, अपना पेट खराब करने के लिए? अग्रवाल साहब, मुझे क्या लगता है, हो कि जरूर ये कोई ऐसा आदमी है जिसको फायदा होगा अगर हमारी ये वैन बंद हो जाए तो। और हमारी वैन चलने से नुकसान किसको हो सकता है? समझ गए, मैं समझ गई। फ्रेंड्स फास्ट फूड होने से सीधा सीधा किसको नुकसान होगा? किसको? सामने वाले रेस्टोरेंट वाले को, राइट? शिल्पी की बात में पॉइंट तो है, लेकिन समस्या ये है कि हम ये रिकॉर्डिंग किसी को दिखा नहीं सकते। अगर ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखाएंगे तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि यारो एक रोबो है।
आइडिया। हम लोग ये रिकॉर्डिंग पुलिस को तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम लोग ये वीडियो रिकॉर्डिंग रेस्टोरेंट वाले को दिखा सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर उसने ये कांड किया है ना, तो ये रिकॉर्डिंग देखकर वो हड़बड़ा जाएगा। अंकल, क्या यारो इस चिप को प्रोजेक्ट कर सकता है? हाँ पापा, कर सकता हूँ ना। हाँ आप कहो तो कर दूं। अरे अभी नहीं, जब मैं कहूंगा ना तब करना। इधर आओ, प्लान बताता हूँ। क्या बोलते हो? Yes. Good plan. Amar, my friend, I love you. I love you too, Yaro. We love you too. जी क्या हालचाल है? अरे राम राम, सो बैठो। क्या बात है जी, नया फोन? अरे एकदम नया फीचर वाला फोन है, नया फीचर वाला। और तुझे पता है इसके अंदर क्या है? प्रोजेक्टर है इसके अंदर। इसमें जो भी वीडियो होते हैं ना, वो कहीं भी प्रोजेक्ट कर सकते। क्या बात कर रहे यार। अरे तुझसे एक बात कहनी थी, वो जो फ्रेंड्स फास्ट फूड वाला शेफ है ना, शेफ, उसे मैं जेल जाने से बचा सकता हूँ। वो कैसे? वो क्या है ना, मेरे पास सबूत है कि खाने में मिलावट उसने नहीं, किसी और ने की थी। हाँ क्या सबूत है तेरे पास? अरे तुझे पता है, एक दिन मैं और मेरे दोस्त गए थे फ्रेंड्स फास्ट फूड में खाने के लिए, और उनके साथ बैठ के अपने न्यू फोन में वीडियो बना रहा था वीडियो, और फिर मैंने देखा कि एक आदमी खाने में मिलावट कर रहा है। मैंने इससे उसका वीडियो निकाल दिया। हाँ तब तो तू मुझे ये वीडियो भी दिखा, और ये फोन में क्या बोल रहा था तू, प्रोजेक्टर, वो भी दिखा मेरे को। सारे देखना है वीडियो? हाँ। अच्छा ठीक है, ये दीवार पर प्रोजेक्ट करते हैं। ओ बबलू ध्यान से सुन, तू मुझे पुराने मैदान में मिल फटाफट। अरे यार जब तू खाने में पाउडर मिला रहा था ना, और एक मुंडे ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। यार मैं तुम्हें मिलकर समझाता हूँ तुम्हें क्या करना है। तुम शेती करो, फटाफट पहुंचो, जल्दी, अर्जेंटली। यार जाके देखता हूँ कहीं मुंडे निकल ना गए हो। जसप्रीत, तुझे तो ये फोन पसंद है। ऐसा क्या करूं कि ये फोन मुझको मिल जाए और मैं वीडियो डिलीट कर दूं? लेकिन मेरी बीवी को ना फोन बिल्कुल पसंद नहीं आया यार, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और तू टेंशन क्यों ले रहा है जसप्रीत के होते हुए, वैसे कर, ये फोन बेच दे। चल ठीक है, मैंने तेरी बात सुन ली, ये फोन को बेच दिया। लेकिन खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, खरीदने वाला। अजी मिल गया। कौन है कहाँ है? अजी खरीदार मिल गया यार। आप खरीदेंगे मेरा फोन है? आपकी नजदीक की नजर कमजोर है क्या? और यार लक्की रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, फोन नहीं खरीद सकता। वैसे एक बात बताइए, आप मेरा फोन क्यों खरीदना चाहते हैं? कमाल की बात कर रहे हो यार, इतना बढ़िया फोन है, और इसमें वीडियो भी है, प्रोजेक्टर भी है, इतना सोना दिखता है, क्यों नहीं खरीदेंगे भाई? क्यों नहीं खरीदेंगे? सही बात। अभी का बात बताओ, कीमत कितनी है आपके फोन की? राम राम सौ। कीमत आप टेंशन मत लीजिए, आपके बजट में आ जाएगी, बस 1,00,000 रुपए।
एक लाख बहुत ज्यादा है यार। वो क्या है ना, चलो मैं इस फोन की असलियत आपको बता देता हूँ। दरअसल ये फोन ना मेरी बीवी को इसके लिए नहीं पसंद क्योंकि ये फोन मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट किया था। जब उसे गिफ्ट किया था ना तो उसने कहा था, बीबी ये फोन एक लाख का है लेकिन तुम भी तो लाखों में एक हो हैं, हूँ ना। तो जब ये फोन तुम बेचोगे तो कम से कम एक लाख में बेचना। तो मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का वादा कैसे तोड़ सकता हूँ, हाँ बताइए। एक लाख रुपए कर लो डील, सस्ते में हो रही है। ओ यार फिर भी एक लाख थोड़ा ज्यादा है यार। अरे कोई बात नहीं जसप्रीत, बैठ जा नहीं खरीद। तो अरे नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं सुनना, मर जाऊंगा लेकिन एक लाख से कम बिल्कुल नहीं लूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मेरी एक गर्लफ्रेंड स्वीटी मुझसे आके पूछेगी, बेबी बेबी कितने में सेटल किया, तो मैं क्या कहूंगा, हाँ उसे क्या जवाब दूंगा? एक लाख रुपए लूंगा। और अगर आपको उससे ज्यादा देना है तो वो आपकी श्रद्धा जसप्रीत, बैठ जाए यार। ठीक है जी, चीज आपकी है, जितना चाहे मर्जी चार्ज करो, मुझे मंजूर है। हाँ, मंजूर है? शक है? नहीं नहीं नहीं, राम राम सो, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। वो जी पैसे लेके आता हूँ। जी जी जी। लाइए जी फोन लाइए। ये फोन, ये रहा फोन और ये रहे एक लाख। चलो चलते हैं, चल आ जाओ जसप्रीत। थैंक यू। ओ जल्दी सब डिलीट कर देता हूँ यार, फिर पुराने मैदान में पहुंचता हूँ। उई उई। अमर प्रेम क्या हुआ, जल्दी से बताओ। अरे होना क्या यारो, उसे हमारी बातों में यकीन आ गया। हाँ और उसने तो अमर का फोन भी खरीद लिया, वो भी पूरे एक लाख रुपए में। हमारे पास बहुत कम टाइम है, हम लोगों को टाइम से पुराने मैदान पहुंचना चाहिए। हाँ यार वो भी निकलता ही होगा पुराने मैदान पहुंचने के लिए। अरे यार हेलो हेलो, क्या कर रहा है बबलू, निकला कि नहीं? चलो चलो। ओ बबलू और ये ले 20,000 और फटाफट यहाँ से डिलीट हो जा, जब तक मैं नहीं बुलाऊं वापस नहीं आना। एक बार उस फ्रेंड फास्ट फूड वाले शेफ को सजा हो जाए फिर आ जाना। लेकिन वो सबूत। ओ यार तू उसकी चिंता मत कर, मैंने वो डिलीट कर दिए। तू भी डिलीट हो जा, जा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है भाई, वैसे तुम कहीं भी भाग लो अब बच नहीं पाओगे। ओ यार तुम तो फ्रेंड फास्ट फूड वाले हो ना। हाँ। मेरी फिक्र मत करो यार, अपने यार की फिक्र करो, उसको जेल जाने से बचाओ यार। फिलहाल तो वो जेल से वापस आ गया और तुम्हारी ऐसी बैंड बजाएगा ना, ऐसी बैंड बजाएगा ना, तुम बस देखते रहोगे। वो देखो, ओ यार आप तो लॉकअप में बंद थे, बाहर कैसे आ गए? हाँ यारो, लॉकअप को खाली करके आया है, तुम्हारे लिए जगह बना के आया है। यार साबित कैसे करेगा कि हमने वो खाने की चीज में पाउडर मिलाया था जिसको खाने से पेट में खलबली मच जाती है, घबराहट होती है। रिकॉर्डेड। अरे रिकॉर्ड तो डिलीट कर दिया यार, हमने डिलीट कर दिया। फिर भी रिकॉर्डेड। किसमें? तुम नहीं समझोगे। खैर कोई बात नहीं, चलो एक गेम खेलते हैं, एक चैलेंज है। तुम भागोगे और यारो तुम्हें पकड़ेगा। अगर तुम्हें यारो नहीं पकड़ पाए तो तुम भाग जाना, और अगर यारो ने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर तुम पुलिस स्टेशन चलोगे, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। चैलेंज है? हाँ चैलेंज है। ओके रेडी स्टडी गो। आजा आजा। हाँ
माफ कर दो। ओके स्टॉप। ओ जी थैंक यू। यार पुलिस कहाँ से आ गई? इंस्पेक्टर दुबे स्लीपिंग। मेरा मतलब है रिपोर्टिंग। क्या चल रहा है भैया? चलो अब खुद बोल रहे हो या फिर यारो तुम्हें फिर से दौड़ाए? चलो भागो। अजी नहीं महाराज। महाराज नहीं हूँ, यारो हूँ। यारो यार, यारो का यारो, हमको बोलने दो यार। ओ इंस्पेक्टर साहब, इनका कुछ कसूर नहीं है। ओ जी सारा कसूर मेरा है। मैंने खाने की चीजों में पाउडर मिलाया था। दरअसल मैं फ्रेंड फास्ट फूड की तरक्की से तंग आ गया था जी। मैं चिढ़ गया था। मेरा कसूर है। अच्छा ओ बाग मरे, मेरा मुंह क्या देख रहे है भाई तू? इन दोनों को पकड़ के जीप में डाल दे यार। ओ जी एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। ओ जी सारी काला कांडी। अरे यार तू चुप रहा यार, ज्यादा ठो मत करो समझे ना। और तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया है ना? अरे कमाल बात कर रहे हैं भाई। अरे ज्यादा टच मलाई होने की जरूरत नहीं है। अरे यार हवलदार लोगों, आप लोग देख क्या रहे हैं? उसको उठा के जीप में डालो ना। ए तब एक शब्द नहीं बोलने का। अरे इंस्पेक्टर साहब यार डालना ले जाए इनको। तेरी तेरी ठोकर देना मैंने। अच्छा हुआ यारो तुमने साबित कर दिया कि तुम बेगुनाह हो यार, वरना दूबे का नाम डूब ही जाता एक बेगुनाह को सजा दिला के भैया। अच्छा अब हम सोने जाते हैं। है? मेरा मतलब है ड्यूटी पर जाते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। चतुर्वेदी अंकल, अब आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? हम सबकी एक बहुत अच्छी सी फोटो क्लिक कर दीजिए। भाई क्यों नहीं लाओ, जल्दी से लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। ये अमर प्रेम। अरे पप्पी सर, अरे तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ ये लो। शिल्पी तुमने बताया नहीं, अपनी नई ब्रांच खुल रही है, तुम दोनों अप्लाई कर दो। नहीं पप्पी सर, अब कोई जॉब वॉब के लिए अप्लाई नहीं करना, बल्कि हमने इतनी लगन और मेहनत से ये फ्रेंड्स फास्ट फूड शुरू किया है ना, इसे आगे बढ़ाना हमें। हाँ पप्पी सर, हमारा फ्रेंड्स फास्ट फूड बहुत अच्छा चलेगा, अब कभी भी बंद नहीं होगा, हमेशा रॉकिंग रहेगा, क्योंकि ये हम सब यारों का टशन है। हमारे यारों का टशन है। All the best, मेरे बच्चों, all the best. Bye, 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 bye. नाच लो, गा लो, खुशियां मना लो, लेकिन चतुर्वेदी चिंतामणि की जिंदगी का सिर्फ दो ठो है। एक तो इस यारो की असलियत जानना और दूसरा दोनों राहु केतु को यहां से कॉलोनी के बाहर निकालना, वो भी एकदम ठो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.